सभी जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे श्रोतागण हैं छोरा हरियाणा जो उधरवा पोड़े के साथ जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनको और देशवासियों को सबको इस छोरा हरियाणा के चैनल जो उधरवा पोड़े के माध्यम से सबको राम राम। तो आज हमारे जो बीच में है मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, मेरा भनजा भी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सर्विस है दिल्ली कॉलेज में। तो मैं बाकी जो भी बात सही किस पद पर है किस साइड से पढ़ाते हैं बच्चों को कुछ शिक्षित करने के लिए कोई आप लोगों को कोई नई बात बताएगा तो मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो कि आने वाले भविष्य के ये शब्द हैं उन बच्चों के काम आए एजुकेशन के। तो मेरे सामने बैठे हैं अनिल कौशिक लाटा बुआनी खेड़ा से। तो मैं इनसे कुछ एजुकेशन के बारे में कोई नए बच्चों को जो कोई एक आधी पीढ़ी भटक जैसे कोई बालक उनको एक शिक्षित करने के लिए कुछ शब्द ये आपको बताएंगे अनिल लाटा कौशिक भाई। अनिल मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप नए बच्चों को आप पहले तो ये बताओ कि आप कौन से कॉलेज में हो दिल्ली। सबसे पहले मैं देसी छोरा हरियाणा का जो चैनल है उनके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। फिर आप मतलब आपके बारे में ये बताओ कौन सी कॉलेज में सर्विस करते हो आप। अभी मैं आपको जैसे आपका प्रश्न है कि मैं कहाँ काम करता हूँ तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लगा हुआ हूँ। वहाँ पर मैं जो है प्लस टू तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। किस पोस्ट पर? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे इस बात की बेहद ज़्यादा खुशी है कि ये जो इंटरव्यू किया जा रहा है वो मेरे सगे मामा जी हैं, छोटे मामा, प्रिय मामा हैं हमारे मिस्टर जोगिंदर शर्मा और उनकी एक पुराने समय से ही मतलब एक छवि रही है टाइगर के नाम से भी उनको जाना जाता है। और ये जो इंटरव्यू लिया जा रहा है मामा जी का बार बार से क्वेश्चन है कि आजकल के जो बच्चे हैं कोरोना काल में भी हमने देखा बहुत सारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं इस काल में, तो कैसे बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर सके वो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। कोरोना काल में नहीं, नहीं, आप वैसे किस पोस्ट पर हो? वहां पर मैं इंग्लिश लेक्चरर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपने उसमें सर्विस? लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो अच्छा, बढ़िया। आपका प्रैक्टिकल है तो मतलब बच्चों को शिक्षित करने के लिए आप आज क्या बता रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जो बच्चा अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए एजुकेशन है वो एक वेपन है, एक हथियार है जिससे वो अपने जीवन में कितनी भी उसके सामने चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों से वो निपट सकता है एजुकेशन के द्वारा। कितनी भी चुनौती है, चाहे वो आर्थिक चुनौती है, सामाजिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, सामाजिक चुनौती है, वो खुद पर भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ जी बिल्कुल, खुद पर डिपेंड करता है। अगर आप स्कूल में छोटे बच्चे जा रहे हैं तो घर में उनको अच्छे संस्कार दिया जाए और सुबह जब स्कूल में जाते हैं तो अपने माँ बाप के अपने उनके पैर छू के जाए तो उनको आशीर्वाद मिलता है अपने गुरुजनों के पैर छुए। नहीं, आप प्लस टू के बारे में जो बता रहे थे कुछ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट बता रहे थे वो सब्जेक्ट और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में जो आने वाले टाइम में बच्चों का काम आएगा। हाँ, वो भी हाँ। एक मतलब बेहद जरूरी चीज़ हाँ, है। हाँ वो बताओ। आज के समय में इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसके कारण आप विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप विदेश में जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है तो आपकी वैल्यू ज्यादा है उन लोगों से जिनको नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी भाषा को दबा रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। एक समय में हमारे जो पूर्व स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, उन्होंने कहा था इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है वो संसार के ऊपर एक खिड़की है। इंग्लिश को आपने समझ लिया, सीख लिया ना, तो खिड़की आपकी खुल गई और आप दुनिया को देख पाओगे।
क्योंकि जितने भी न्यूज चैनल आपने देखे होंगे CNN, IBN, BBC ये सब इंग्लिश में, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप समझ पाओगे दुनिया के किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं चले जाओगे तो अपनी बात को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसी महत्व को ज्यादा समझते हुए मोटिवेट किया इसमें मेरे मामा जी, मेरे मामा जो पुलिस में थे, मामा नरेश, उन्होंने भी कहा कि आप इंग्लिश में एमए करो। तो मेरे अंकल जी थे, चाचा सुभाष जी, उन्होंने भी मेरे को कहा इंग्लिश में एमए करो। तो मेरे गुरु जी हैं श्री सत्यनारायण कौशिक जी, उन्होंने भी कहा कि आप इंग्लिश में एमए करो, हिंदी में तो कभी भी कर लोगे। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे गुरु जी उन्होंने, और जिसमें मेरे मामा जोगिंदर शर्मा भी शामिल हैं, वो भी मेरे को काफ़ी प्रेरित करते रहे कि आप इसको मतलब करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा आज के बच्चों को, गांव के बच्चों को जो इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं, कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं, वो कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप स्कूल में तो पढ़ी रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो, आपने कॉलेज कर लिया, आप घर पर बैठे हो, आप दिन में कम से कम 10 शब्द अंग्रेजी के सीखो। जो भी सीखते हो वो लिखो। जब आप उनको लिखोगे, एक दिन में 10 हो गए तो महीने में कम से कम 300 वर्ड आपने सीख लिए। और साल में कितने सीख लिया आपने? साल में सीख लिया आपने 3600 वर्ड। दूसरे साल में और ज्यादा सीखोगे, फिर आपकी लगन बन जाएगी, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो तो आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल ऐसा बनाओ जिसमें आप आधा घंटा बोलो उनके साथ। तो ये पहले, क्योंकि मैं भी ऐसे स्कूलों में पढ़ाऊँ जो इंग्लिश मीडियम नहीं थे, लेकिन मुझे शौक था, मेरे गुरुजनों ने मेरे को प्रेरणा दी और मैंने कोशिश करी तो मेरा करियर बन पाया। आज मेरा अच्छा है करियर है, मैं बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ और बच्चे उससे काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो खुशी होती है। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। 10 वर्ड्स आपने डेली सीखने हैं, सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में बोले हैं। आप कोशिश करें, स्टार्ट करें बिगनिंग से, माय नेम इज, ऐसे स्टार्ट करते हैं, माय नेम इज अनिल कौशिक। आपने अनिल कौशिक जैसे मामा जी हैं, अगर मैं उनसे कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो उनको सिर्फ अनिल कौशिक का जोगिंदर शर्मा लिखना है, माय नेम इज जोगिंदर शर्मा, आ गई आपको इंग्लिश, आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो गई। ऐसे आप डेली कम से कम आधा घंटा बोलने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, और जो प्रोनंसिएशन आपका कमजोर है, उच्चारण, उसको सीखने की कोशिश करें। जैसे LIVE लाइव होता है, लेकिन हमारे देसी जो व्यक्ति है उसको बोल देते हैं लाइवे, वो लाइव है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपकी इंग्लिश होगी ना स्टार्ट लाइव, कि मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, तो लाइवे नहीं है वो लाइव है। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हो गई है, माई नेम इज जोगिंदर शर्मा, आपकी इंग्लिश हो गई स्टार्ट। ऐसे आप सेंटेंसेस को सीखे। अब मामा जी की बड़ी डिमांड है, बहुत बढ़िया, मामा जी को शौक था, क्योंकि ये इन्होंने मेरे को बच्चे के रूप में देखा, अपनी गोदी में खिलाया है कि वह अंग्रेजी कब बोलेगा। अब मेरा करियर भी बन गया और टाइम ऐसा आ गया है कि इनका चैनल है तो शूट कर रही है, तो इनकी बड़ी इच्छा है कि मैं इंग्लिश बोलूँ। मैं अपना परिचय आपको इंग्लिश में देना चाहूँगा। Myself Anil Kaushik and I am a teacher of English language in Delhi government. Right now I am posted in Rani Kheda school, which is very near to Mundka metro station. My school is just 1 kilometer away from Mundka metro station, and my school is very very famous for its hockey team. अच्छा अच्छा अच्छा, and that school is situated in fields, and you can see there farmers, many farmers, and there are 2 temples of one temple is of Shiva temple, and one temple of is very famous for very very famous temple is also there very nearby, and there are 2 temples, and that school is very famous, and there are 2500 students, and I teach them in English. When English comes to as a language, it is a language of international level. That is not a national language, that is international language.
इफ यू टीच, इफ यू लर्न, इफ यू नो इंग्लिश, यू कैन अप्रोच टू द आउट वर्ल्ड. यू कैन गो टू अमेरिका, यू कैन गो टू रशिया, यू कैन गो टू जापान, चाइना, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यू कैन गो एनीवेयर एंड थ्रू इंग्लिश यू कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल इजिली. देयर इज नो बैरियर. सो इंग्लिश इज an international language. If you speak English, your personality becomes, I think you becomes to high level person. You become international celebrity. If you know only Hindi speaking people will know you. And if you know English, then the whole world will know you. The whole world will know you and will understand you. What are you? And that makes a huge impact on the people of the outer world. So once again I congratulate Mama Joginder Sharma Tiger, who started this channel Desi Chhora Haryana Ka. Chhora Haryana Ka. Chhora Haryana Ka. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी. मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे चैनल के माध्यम से नए बच्चों को या इंग्लिश सीखने के लिए आपने जो फार्मूले बताए और आपने बारे में इंग्लिश में जो जवाब दिया. तो मैं जब भी जितने भी श्रोतागण हैं मेरे जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको सबसे अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि ये छोरा हरियाणा का जोगिंदर पापड़ा देसी खाना, देसी रहना, देसी पहनना बहुत ही बढ़िया आपका चैनल है. और कुछ आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया एक चीज़ लेके आने वाला हूँ. अब जो आज से 60 साल पहले जो हमारे कल्चर में जो भजन गाया जाते कैसे डांस होया करता था, हमारी दादी परदादी बड़दादी माँ बहन कैसे मतलब फागण खेला करती थी, उनके बारे में मैं एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग तैयार करना लग रहा हूँ और नाटक रूप में, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना. छोरा हरियाणा का जोगिंदर पापड़ा की चैनल की तरफ से आप लोगों को होली की बधाई और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, अग्रे अग्रे ब्राह्मणाई.